बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे। सभी बीजेपी नेताओं पर आरोप तय होने हैं। विनय कटियार और साध्वी रितंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है। दरअसल 19 अप्रैल को बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 लोगों पर आपराधिक साजिश का केस चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करे। इसके साथ ही केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर #बाबरी मस्जिद के साथ भारी संख्या में ट्वीट हो रहे हैं। इन ट्वीट्स के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक 25 साल पुराना भाषण काफी शेयर किया जा रहा है। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भाषण 5 दिसंबर 1992 की शाम लखनऊ में दिया था। मंच पर उस समय उनके साथ आडवाणी भी थे और वहां भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में भारी भीड़ ने मिलकर विवादित ढांचे को गिरा दिया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं के उकसाने पर कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया था। ये मामला काफी दिनों से अदालत में चल रहा है। आप भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा।